वेबसाइट के अंदर यानी किसी भी फॉर्म के अंदर बटन का जो किरदार है वो बड़ा अहम है, ठीक है। और बटन की प्रॉपर्टी बता रही होती है कि कौन सा बटन इनेबल है, डिसेबल है, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, उसकी विड्थ, साइज, रेडियस, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें बूटस्ट्रैप में किस तरह से पॉसिबल है, इन चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस बटन की प्रॉपर्टी के लिए हमें एक HTML के फॉर्म के टैग को इस्तेमाल करना होगा, यानी इनपुट टाइप बटन, देन हम उस पर फर्दर क्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जूम करता हूँ, इनपुट टाइप बटन, ठीक है। और आप चाहें तो विड्थ और उसकी हाइट दे सकते हैं जो नॉर्मली होती है, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो कि इस पर लिखा आएगा और नेम लिख देता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ सबमिट बटन इनवर्टेड कॉमा कंट्रोल एस जूम आउट। क्रोम पे रन करते हैं, सबमिट का बटन डिफॉल्ट तौर पर इसी तरह शो हो रहा है। तो मैं इसकी विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए BR का टैग लगाता हूँ ताकि ये प्रॉपरली सेपरेट जगह पे शो और इफेक्ट भी देख सकें। बिल्कुल सही। अब हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस की तरफ चलते हैं। तो मैं जूम करता हूँ, क्लास इक्वल BTN इन शॉर्ट। तो BTN पहली क्लास है, उसके बाद वो फर्दर तमाम वही क्लासेस की प्रॉपर्टी ऐड होने लग गई। आप नीचे देख रहे हो इन्फो, ग्रुप, डार्क, डेंजर, ये बिल्कुल वही चीज़ हैं जो अभी हम फर्दर प्रीवियस वाली चीज़ों पे देख रहे थे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ BTN यूज़ करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, जूम आउट। और अगर आप पहले प्रीव्यू देखें तो ये है, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और अब आप देख रहे हो ना सिर्फ ये कॉर्नर से थोड़ा बाहर की जानेब है यानी इंटेंड है, बल्कि साथ ही साथ इस पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक इफेक्ट भी आ रहा है बॉर्डर्स सिर्फ BTN की क्लास की वजह से। नाउ दोबारा वापस चलते हैं। इसी तरह BTN में मैं एक से ज़्यादा क्लासेस को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो BTN.danger, कंट्रोल एस एंड इट इज। तो आप देख रहे हो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर और होवर पे इसका इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। जैसे मैं माउस लेकर आ रहा हूँ कलर ब्लैक हो जाता है और जैसे क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड पे जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज है। तो जिस तरह से डेंजर है यहाँ पर अलर्ट, ऑल दो अलर्ट की ज़रूरत थी नहीं, हमें बटन लेना था, उसमें भी डेंजर मौजूद है। यहां पर अलर्ट आ गया, कंट्रोल एस, ये इसका ओरिजिनल इफेक्ट है, ठीक है। वाइट फोरग्राउंड और रेड लाइट यानी जो शेड्स है वो उसका है। जैसे मैं होवर करता हूँ वो डार्क हो जाता है और जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि वो बॉर्डर पे शेडो बन रहा है उसका, ठीक है। इसी तरह डेंजर की जगह आप चाहें तो ग्रुप, डार्क, ठीक है, इन्फो, लॉन्ग, ये तमाम चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह बाज़ दफ़ा हम बटन्स पे कुछ मज़ीद यूनिक प्रॉपर्टी भी लगाते हैं। तो ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप के हवाले से हम आगे जाके बात करेंगे। आउटलाइन डेंजर, ठीक है, सिर्फ बटन को लिंक बनाना है तो मैंने यहाँ पर बटन लिंक लिया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश द पेज। तो आप देख रहे हो बिल्कुल लिंक के फॉर्मेट में ये बटन बन चुका है, ठीक है। हम इस पर कोई लिंक भी लगा सकते हैं फ्यूचर में इसके एट्रीब्यूट पे जाकर, तो वो उसी तरह वर्क करेगा। इसी तरह ये आउटलाइंस पे यानी जो उसके आउटलाइन का इफेक्ट है उससे उसमें वो चेंजेस होगी। तो हम आउटलाइन को लाइट ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसके भी इफेक्ट को देख लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं वेब ब्राउजर पर आता हूँ, रिफ्रेश द पेज और आप देख रहे हो कि आउटलाइन पे हल्का सा इफेक्ट आ रहा है सिर्फ, और जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ही ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, वगरना टेक्स्ट का कलर बिल्कुल लाइट हो गया, ठीक है। देन इसी तरह आउटलाइन के बाद बाकी आउटलाइन की प्रॉपर्टी भी आप खुद देख सकते हैं, जिस पे आप इंफरादी तौर पे एक एक चीज़ को देखेंगे तो उसका कलर इफेक्ट नज़र आएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, ये सारी बिल्कुल वही शेड्स या कलर मौजूद हैं जो प्रीवियसली हमने क्लासेस के अंदर देखा है। यहाँ पे वार्निंग मौजूद है, ये टूल बार है, मैं वार्निंग कलर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एस करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर येलो पर हो गया और बॉर्डर भी येलोश टाइप में मौजूद है। तो ये कुछ बटन की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि बटन पे हम किस तरह से इफेक्ट सिर्फ क्लासेस के बिहाफ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
होपफुली क्लियर होगी। आप चाहें तो किसी टेक्स्ट पर भी बटन का इफेक्ट ऐड करवा सकते हैं, लेकिन वो अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है हमारे पास। अप्रोप्रिएट मेथड सिर्फ और सिर्फ इनपुट टाइप बटन पे ही है, क्योंकि ये क्लासेस बटन के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो किसी टेक्स्ट को भी बटन फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड